हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं हूँ सोनिया दीदी के घर पे और आज हम लोग मोमो बनाने वाले हैं। ये देखो काम जारी है। ये आटा छान रहे हैं, आटा नहीं मैदा। हाँ, पूरा आग जल रहा है। यहाँ पे प्याज है और इसके नीचे गोभी है और यहाँ पर अभी गाजर भी ढलेगा और क्या ढलेगा बताओ ना। नहीं 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 बोली शुरू हुआ था मैं नहीं 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 बोलते हैं रुको ना हम तो डाल देंगे अभी तो ऐसे करके ऊपर लगा मशीन में गंदी ज्यादा मिक्स हो जाएगा। हाँ, इससे थोड़ा छोटा चॉप हो जाएगा। हाँ, रफली चॉप करके ये कप से मार देना, तब थोड़ा अच्छा कीमा बन जाता है। ये ऑलमोस्ट मीन हो चुका है। गाइस, ये लड़की बहुत मेहनत कर रहा है, एक लाइक तो बनता है। आंटी को क्यों रुआ दिया ना? आंटी हंस रहे हैं, अभी आँख में आंसू लगे। अंकल का याद आके रो रहे। अरे थोड़ा ही तो दे रहे हैं, अभी बाद में तो आप चला ही जाएगा अंकल के पास। कितना खुश हो गया आंटी। तो गाइस, अभी इसमें गाजर डलेगा और गाजर को थोड़ा ग्राइंड करके डालना है। अब रख कहाँ में डाले? मोमो में अभी बीजिंग नहीं डालने से तो टेस्ट नहीं होते ज़्यादा डाल दी बीजिंग जो इतना अच्छा नहीं ना मोटे अदरक लहसुन हो गया ये लोग जो मतलब डाइजेस्ट हो रही थी और ज़्यादा वो ये तो हेवी टाइप का नहीं होता। हाँ, ये है घर का बना हुआ पनीर। अब ये पनीर कैसे बनाए? हाँ, पनीर पनीर का फायदा टू इन वन। ये सब क्या है बोलो? इसको क्या बोलते हैं? इसको चाइनीज मसाला बोलते हैं, कोई मीठी बोलते हैं, अजीना मटर बोलते हैं। हाँ, ये अजीना मटर थोड़ा सा ढाल देना है उसके बाद। नमक आपके स्वाद अनुसार बोलूंगा। नेपाली में नून बोलते हैं ना। नमक नमक आलू में लगता आलू में भी आलू थोड़ा सा इसमें जीरा पाउडर और धनिया पाउडर देना, इससे ना डाइजेस्ट होने में बहुत हेल्प होता है, जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होता है। फिर भी आप ओके ट्राई करके ठीक है गाइस, आप लोग भी ट्राई करके देखना। आज ये सोनिया दीदी का रेसिपी का बना रहे मोमो। और चला गया बाद में आप लोगों को हम मेरा रेसिपी भी बना के दिखाएगा। सिंपल एंड टेस्टी। ये क्या बनेगा अभी? प्योर वेज। हाँ, प्योर वेज मोमो बना दिया लग तो रहा है। हाँ, यहाँ पे तेल ढालना चाहिए, तेल से बहुत तेज आता है ना। तेल और नहीं, आप धनिया साफ कर रहे हो वो दिखा रहे हम। Yeah.
फाइनल लुक, फाइनल लुक हो गया अभी कि मैं तैयार। अभी इसमें क्या क्या डाला था, बंदा गोभी, प्याज, अदरक, लहसुन, गाजर, धनिया, पनीर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये मोमो बनने की तादार ना क्या बोलते हैं तैयारी में भाई रिंचिन गुरु छिंचिन है ना इधर ना पिंगल ने भी छिंचिन है ना और कन्फ्यूज होता है ऐसे ये बनाओ तो बोलो कम से कम। ये मेरा स्टाइल है मोमो बनाने का, आप लोगों को पता नहीं होगा। हम बनाने से तो क्या बोलते हैं वो हाथी मर गया जैसे पतला। ओ हाथी मर गया जैसे होता है। और एक स्टाइल है हमको, और एक स्टाइल आता है अभी हम बनाएंगे आप लोग। इसको बनाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, मैंने इसको थोड़ा फोल्ड कर दे रहे हैं। अरे सब चीज़ आप लोग जितना सब भी आता होगा ना, तो मोर बन के आए। हम दो साल पहले मोर बन के पसता रहा, अभी तक कलर नहीं जा रहा था। नहीं जाते अभी तो अच्छा लगेगा, एक टाइम जब तुमको स्टाइल चेंज करने मन लगता ना तब नहीं जाते। हमने नीचे लगाया था ना, ऊपर चढ़ चढ़ के यहाँ पहुँच गया वो कलर, तो कैसे होगा। हाँ हमने ये बोला देखो चार तरह की मोमो थोड़ा सुंदर से मिला के डालो। तो ये है मोमो, अब इसको यहाँ स्टीम करना है। कितना मिनट के लिए करेगा हम लोग का शेफ? 15 मिनट में ये पक जाएगा। डालो यार, और सीधा करके डालो यार, हमको तो डालो डालो। तुमने थोड़ा मासूम ना हो ये। सो गाइस मोमो इज रेडी। वाओ हाँ अभी तो चटनी बनना बाकी है ना। ये देखो चटनी का सामान, ये है टमाटर और ये है मिर्चा लहसुन, अभी इसको ग्राइंड करेगा। और देखिए गाइस मोमो रेडी हो चुका है। जंगल का मोमो कैसा लगा? आपका ही है, अगुआ में आ रहे हैं इसलिए बताओ ना। मोमो कैसा लगा? अच्छा दिख रहा था। मोमो कैसा लगा? सच्ची का बहुत टेस्टी बना। नहीं 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 बोल बोल के टेस्टी बन गया। उल्टा हो गया ना लाइट जो पीछे आया। हाँ ऐसा मन भर गया, पेट भर गया। अपनी भरा वाला सिस्टम क्या बोलते हैं उसको, बोलता है मोमो लवर। ये हेलो ऐसे क्यों देना तुम्हें जिसे यार मैं खाते भाई।
डाइटिंग कर रहे क्या? ये कलर बहुत अच्छा लगता है, ब्लू। ये भी क्या देखो, पर्पल और ब्लू फेवरेट है मेरा कलर। तो गाइस, मोमो खा के बहुत ही थक चुकी थी मैं। उसके बाद थोड़ा फ्रेश हो लिया और थोड़ा देर सो भी गया। उसके बाद अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो, अगर आपको रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। See you in the next vlog. Bye bye.